बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक जिलों में से एक है। ये जिला टाइल्स फैक्ट्री और राइस मिल के अलावा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फेरोमैग्नीज प्लांट और तांबा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐसा जिला भी है जहां पर भारत का 80% मैंगनीज और मध्य प्रदेश का 50% तांबा निकाला जाता है। दोस्तों, बालाघाट मैंगनीज नगरी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क भी बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ का गर्रा का पोहा और बालाघाट की चाय अपने लजीज स्वाद के लिए पूरे बालाघाट जिले में प्रसिद्ध है। बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पवित्र वैनगंगा नदी के तट पर बसे हुए बालाघाट जिले का गठन भंडारा, मंडला और सिवनी जिलों के हिस्से के सम्मिलन के दौरान 1867 के दौरान हुआ था। जिले का मुख्यालय मूल रूप से बुहा या बुढ़ा कहा जाता था। बाद में हालांकि इस नाम को बदलकर बालाघाट शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मूल रूप से केवल जिले का नाम था। सतपुड़ा पर्वत वाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा यह जिला शुद्ध हिंदी भाषी है। यह एक नगर पालिका व बालाघाट जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। दोस्तों, लगभग 9,245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए बालाघाट जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17 लाख से ऊपर थी। बालाघाट में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 1021 महिलाओं का लिंग अनुपात है। बालाघाट जिले का जनसंख्या घनत्व 180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से बालाघाट जिला भारत का 288वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला भी है। बालाघाट जिला कुल 10 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें बालाघाट, बैहर, बिरसा, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, लांजी, परसवाड़ा, वारासुनी शामिल है। बालाघाट जिले की साक्षरता दर 78.29% है, जिनमें पुरुष साक्षरता 85.36% और महिला साक्षरता 69.04% है। इससे पता चलता है कि इस जिले के अधिकतर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। मित्रों, धार्मिक दृष्टिकोण से जनसंख्या विभाजन करें तो बालाघाट जिले में 89.29% हिंदू, 2.26% मुसलमान, 4.21% बौद्ध तथा 4.24% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, कई बॉलीवुड फिल्मों ने बालाघाट जिले की संस्कृति को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें 2020 में रिलीज हुई एक्ट्रेस विद्या बालन की शेरनी मूवी की लगभग 80% शूटिंग बालाघाट के घने जंगलों में पूरी हुई है। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने दो कलाकार मुश्ताक खान और अनिल मांगे बालाघाट जिले से ही बिलोंग करते हैं। बालाघाट जिला मैंगनीज एवं तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फेरोमैंगनीज प्लांट बालाघाट के भरवेली में लगाया गया है। बालाघाट जिले की भरवेली, उकवा, तिरोड़ी माइंस मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट का मलाजखंड तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का 50% तांबा निकाला जाता है। बालाघाट से बैहर रोड में स्थित घने जंगल और घाटियाँ बालाघाट जिला के प्राकृतिक सौंदर्य को अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। इस रोड पर बनी 52 मुड़ाइयाँ यात्रियों के मन को एक अलग ही मजा देती है। मित्रों, बालाघाट जिले के अधिकतर लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, मोटा अनाज और दलहन वैनगंगा नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, बालाघाट जिला में कई सारे स्कूल और कॉलेज हैं, जिनमें टॉप 10 स्कूल में बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, गुरुदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, चक्रवर्ती पब्लिक स्कूल, आइडियल पब्लिक स्कूल, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, संत मेरी इंग्लिश स्कूल, माउंट लिट्रा जी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय वारासुनी शामिल है। जबकि टॉप कॉलेजेस में जटाशंकर त्रिवेदी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, सतपुड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस कॉलेज किरनापुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी सतपुड़ा, बीएड और डीएड कॉलेज
और SSP कॉलेज वारासियुनी शामिल है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं में बालाघाट जिले में शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय, साई कृपा हॉस्पिटल, अनुश्री हॉस्पिटल, आरोग्य हॉस्पिटल, निदान हॉस्पिटल, गणपति मेमोरियल हॉस्पिटल, श्रीवास्तव नर्सिंग होम और आनंद हॉस्पिटल सहित कई अन्य हॉस्पिटल शामिल है। दोस्तों, बालाघाट जिला तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। बात करें सड़क मार्ग की तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देश के अन्य प्रमुख शहरों से बालाघाट के लिए नियमित बसें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा दोस्तों, बालाघाट रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया खंड पर है। मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य में स्थित है। जंक्शन के माध्यम से रेल मार्गों में जबलपुर, गोंदिया, कटंगी से सतपुड़ा रेलवे मार्ग शामिल है। मित्रों, बालाघाट जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बालाघाट जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हो कौन से पर्यटक स्थल है जिनके बिना बालाघाट जिले का भ्रमण अधूरा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गांगुलपारा डैम और वाटरफॉल, मलाजखंड कॉपर माइन, राजीव सागर डैम, रामपाइली मंदिर, धूटी डैम, महाकाली पाठ मंदिर, लांजी का किला, हट्टा की बावली, नहलेसरा डैम और रमरमा मंदिर बालाघाट जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां पर आप अपनी मन की शांति के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बालाघाट जिला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप बालाघाट जिले से हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें कि आप किस जगह से हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं। मित्रों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।